हृदय धन्यवाद साथे बनासधरानी आ जनमेदनी ऋण स्वीकार करे छे माननीय मुख्यमंत्री श्री आपनो आपना प्रासंगिक उद्बोधन माटे नवा वर्षना नवा उन्मेष साथे हूँ सादर आमंत्रित करीश माननीय राज्यपाल महोदय श्री ने तेमना प्रेरणात्मक उद्बोधन माटे माननीय राज्यपाल महोदय श्री प्रेरणात्मक उद्बोधन माटे सादर आमंत्रित छे प्लीज गुजरात प्रदेश के बहुत ही सौम्य मृदु एवं कर्म योगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय श्री बलवंत सिंह राजपूत जी, प्रभारी एवं उद्योग तथा श्रम रोजगार मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर जी, आदि जाति विकास एवं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री बच्चू भाई खाबड़ जी, पंचायत एवं कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री पर्वत भाई पटेल जी, सांसद बनासकांठा माननीय श्री बाबू भाई देसाई जी, सांसद राज्यसभा माननीय श्री अनिकेत भाई ठाकर जी, विधायक पालनपुर माननीय श्री केशा भाई चौहान जी, विधायक दियोदर माननीय श्री मावजी भाई देसाई जी, विधायक धानेरा आदरणीय श्री किरीट सिंह बाघेला जी, जिला अध्यक्ष माननीय श्री जयंती भाई कवाड़िया जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हरि भाई चौधरी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती वर्षा जोशी जी, सचिव भारत सरकार आदरणीय श्रीमती मोना खंदार जी, प्रधान सचिव गुजरात सरकार आदरणीय श्री मुरली कृष्णन जी, प्रधान सचिव गुजरात सरकार माननीय श्री वरुण कुमार बरनवाल जी, कलेक्टर बनासकांठा माननीय श्री स्वप्निल खरे जी, डीडीओ बनासकांठा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाले सभी सहयोगी और जनजातीय समुदाय के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के एक महान भगवान बिरसा मुंडा, जिनका जन्म उलिहातू झारखंड में हुआ था 15 नवंबर 1875 में, उस महामानव ने अपने काल में जनजाति लोगों में बहुत बड़ी सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिक चेतना का संचार किया था। इसी कारण जनजाति समुदाय में उनको भगवान के रूप में सम्मान के भाव से देखा जाता है। ऐसा महामानव कि जिसको आजादी के बाद हम भूल गए थे, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उन द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करते हुए आदि जाति के भाई और बंधुओं में गौरव की स्थापना के लिए ऐसे महापुरुष को भगवान बिरसा मुंडा के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया कि जिससे जनजाति के लोगों में स्वाभिमान का भाव पैदा हो, अपने बड़ों के प्रति उनमें बहुत आदर का भाव पैदा हो। और आज उसी उलिहातू गांव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पहली बार नहीं, वो अनेक बार वहां जा चुके हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान
भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्म भूमि से प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। पिछले 2-3 साल तक भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया गया। बाल वृद्ध युवा सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना पैदा हुई, राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हुआ। हमने अपने इतिहास पुरुषों को जानने का सौभाग्य मिला। इस देश की आजादी के लिए बलिदान होने वाले वीरों को भी जानने का मौका मिला और लंबे काल तक चला अमृत महोत्सव, जिसका पिछले दिनों समापन हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की समाप्ति के साथ भारत के लोगों को एक नए संकल्प की दिशा में आगे बढ़ा दिया और वो है विकसित भारत का संकल्प। आज से कार्यक्रम पूरे देश में शुरू होने वाले हैं। हमारे लोग पूरे भारतवर्ष के गांव गांव के अंदर जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं बनाई गई हैं, वंचित शोषित पीड़ित आदिवासी भाई बंधु वो हम सब के परिवार का हिस्सा है। जैसे एक मानव शरीर में प्रत्येक अंग स्वस्थ होता है तो शरीर ठीक ठाक काम करता है, शरीर का एक भी अंग ठीक काम नहीं करता तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता। उसी प्रकार से किसी राष्ट्र का शरीर वहां के नागरिक होते हैं और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, शिक्षित हो, जब पूरा राष्ट्र इस रूप में होता है तो उसे राष्ट्र का समग्र विकास कहा जाता है। भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारतवर्ष में रहने वाले जितना भी मानव समाज है वो सबके कल्याण की सोचते हैं और विशेष रूप से गरीब वंचित शोषित पीड़ित आदिवासी भाई के जो हमारे शरीर का कमजोर हिस्सा रह गए हैं उनको भी वो पूरा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हुए हैं। और आदिवासी भाई और बहनों को जानना चाहिए, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प ने एक आदि जाति की महिला द्रौपदी मुर्मू को भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर पहुंचा करके आदि जाति के जिस गौरव को बढ़ाया है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा की है और उनको आगे बढ़ने के रास्ते दिए हैं, ये प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट गरीब आदिवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। भाइयों और बहनों, जिस व्यक्ति ने स्वयं गरीबी में जिया हो वो गरीबों के दुख और दर्द को जानता है, जो पैदा ही चांदी के चम्मच लेकर के हुआ हो, जिसने जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कष्ट ही न देखा हो, ऐसा आदमी गरीबों के दुख को नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गुजरात की धरती में जन्म लेकर जिन अभावों को देखा, जिस गरीबी को देखा, जिस प्रकार का जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करके आगे बढ़े, वो मैं समझता हूं हर शोषित वंचित गरीब व्यक्ति के लिए उनके जीवन से दूसरी प्रेरणा आगे बढ़ने की नहीं हो सकती। हम सब ने उनको अच्छी तरह देखा है, उनका अपने लिए कुछ भी नहीं है, वो उठते बैठते सोते जागते हर वक्त
केवल इस देश के गरीब वंचित शोषित पीड़ित आदिवासी भाई के कल्याण की सोचते हैं, राष्ट्र के उत्थान की सोचते हैं। आज मेरे से पहले अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों अलग अलग योजनाएं चलाई, ग्राम के गरीब वंचित शोषित पीड़ित की अलग योजना है, राष्ट्र के विकास की अलग योजनाएं हैं, विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने की योजनाएं अलग हैं। कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें भारत की गरिमा और गौरव को बढ़ाने की बात न हो। मेरे आदरणीय भाई और बहनों, आप गांव में रहते हैं, आप जंगल के बीच में प्रकृति की गोद में रहते हैं, मैं बीच में आपको नमन भी करता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं बैठे बात कर रहे थे और आप इतनी बड़ी संख्या में, इतने भाई और बहन इस हॉल में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे क्लास में विद्यार्थी बैठता है। आप हिलते भी नहीं, कोई गति भी नहीं। आपकी सौम्यता, आपकी सरलता, आपकी सज्जनता, भाई मैं तो विचार कर रहा था यदि आप सब जैसे लोग इस धरती पर हो जाएं तो फिर हमास और इजराइल जैसे युद्ध की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग सभी हो जाएं तो यूक्रेन और रूस में जो बर्बादी हो रही उसकी जरूरत ही ना पड़े। आज ऐसे भले और सज्जन लोग इस राष्ट्र की पूंजी हैं, आप इस देश का गौरव और सम्मान हैं। हमारे आदिवासी भाइयों ने आजादी के समय, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच में कहा, तमार, संथाल, खासी, भील, मिजो और कोल आदि जातियों के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने बलिदान भी देने में पीछे नहीं हटे और समय समय पर हमारे लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। और इस गुजरात की धरती पे भाई और बहनों, जलियांवाला बाग का कांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, जहां हजारों लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसके कुल 3 बरस बाद ही सबसे बड़ा नरसंहार अंग्रेज ने किया, तो वही हमारा ये गुजरात का हिस्सा था। आदिवासी भाई और बहनों ने उनके जुल्मों के विरोध में आवाज बुलंद की और लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस घटना को अंग्रेज ने दबा दिया, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन दिनों गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस घटना को उजागर करते हुए आदि जाति के लोगों द्वारा देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में इतना बड़ा बलिदान दिया गया, उसका सम्मान उनको मिले, इस घटना को उन्होंने आम जनता तक पहुंचाया कि भारत के विकास में, उन्नति में, स्वतंत्रता में जनजाति के भाइयों ने कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए दिया है। आज भारत में बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, गरीब कल्याण की योजना जिनकी चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है। देश के हर योजना के हर प्रयास हो रहे हैं, जन धन से लेकर गोबर धन तक, वन धन विकास केंद्र से लेकर वन धन स्वयं सहायता समूह तक, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर जल जीवन मिशन तक, पीएम आवास योजना से लेकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन तक, मातृत्व वंदना योजना से लेकर पोषण के लिए राष्ट्रीय अभियान तक, ग्रामीण सड़क योजना से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तक, एकलव्य स्कूलों से लेकर आदिवासी यूनिवर्सिटी तक, बांस से जुड़े
दशकों पुराने कानून के बदलने से लेकर करीब करीब 90 वन उपजों में जो उत्पादन है उनका MSP तक, सिकल सेल अनीमिया के निवारण से लेकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले मिशन इंद्रधनुष तक, केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार के प्रयासों से करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हो रहा है।